कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा सगळ्या जगात होतोय. चीनमधनं कोरोनाच्या संसर्गाला सुरुवात झाली खरी, पण आता चीननंतर सगळ्यात मोठा फटका बसतोय तो युरोपला. युरोपमध्ये इटलीत कोरोनाचं थैमान आहेच, पण त्याचबरोबर फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनीला सुद्धा कोरोना व्हायरसचा तितकाच फटका बसलाय. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार स्पेनमध्ये आता दक्षिण कोरियापेक्षा जास्त रुग्ण आढळून आलेत, आणि याबद्दल थेट स्पेनमधनं माद्रिदमधनं अधिक माहिती देत आहेत बीबीसीच्या प्रतिनिधी प्रतीक्षा घेल्डियाल. यहाँ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आपातकालीन मेजर्स अपनी जगह पर लगाए गए हैं, जिसके तहत लोगों को बोला गया है कि आप अपने घर पे रहें, बाहर ना जाएं, काम पे जा सकते हैं, खाने का सामान लेने के लिए जा सकते हैं, दवाइयाँ लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर केवल एक बार में कुछ सीमित संख्या में ही लोग जा सकते हैं. लोगों से बोला गया है कि वो ज़्यादा एक दूसरे के आसपास ना रहें, सोशली डिस्टेंस्ड रहें. कल हम जब बाहर गए थे हमने पीक आवर में देखा कि बहुत ही कम गाड़ियां रास्ते पर थी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है लेकिन बसों में केवल एक आध लोग ही हमें दिखे. जो यहाँ की सबसे ज़्यादा बिजी स्ट्रीट्स हैं वो बिल्कुल इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं. लोग घर पर रह रहे हैं जैसा कि सरकार ने उनको बोला है. और मेरे पीछे यहाँ पर ये स्पेन की पार्लियामेंट है, स्पेन की संसद है, यहाँ पर भी सांसद अभी नहीं आ रहे हैं. 15 दिनों तक बोला गया है आप घर पे रहिए, यहाँ मत आइए. आज सुनने में आ रहा है कि स्पेन अपने लैंड बॉर्डर्स पे भी शटडाउन करेगा, तो बाहर से लोग अंदर नहीं आ पाएंगे या सीमित संख्याओं में आ पाएंगे. इसके अलावा स्पेन की जो सरकार है उसने कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनकी मदद भी लेना चाहते हैं, और जो COVID-19 कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उनको लेना शुरू करें, ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज पे जो भार पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो. यूरोप इस वक्त एपिसेंटर कहा जा रहा है कोरोना वायरस क्राइसिस का. रोज़ नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं. अब देखना होगा कि यहाँ की आबादी को आगे जाकर ये और कैसे अफेक्ट करेगा.